हरियाणा सरकार की ओर से साल 2021-22 का आज बजट पेश किया गया। वहीं इस बजट के आते ही विपक्षी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। वहीं जिसको लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस के नेता ने इस बजट को बिल्कुल ही बेकार बताया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा इस बजट में किसानों को लेकर सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई नई योजना नहीं लाई गई, साथ ही ये बजट जनता के बिल्कुल भी हक में नहीं है। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना था कांग्रेस के नेता व हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। बजट स्पीच मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, पूरे देश के फाइनेंस मिनिस्टर की भी नहीं देखी, लेकिन चलो वो एक अलग बात है। तो जब इतना लंबा बजट देखा था, आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बहुत कुछ कोरोना काल से निकले हैं, किसान को, गरीब आदमी को, व्यापारी को और बेरोजगारों को, कर्मचारियों को राहत मिलेगी। खासकर जो कोरोना के लिए लड़ाई लड़ी जो कोरोना वॉरियर थे, जिन्होंने जो वायदा किया था भाई हम दो डबल तनख्वाह देंगे, उनको बहुत राहत मिलेगी, लेकिन कोई चर्चा नहीं। बात यह है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बजट का निष्कर्ष ये है। ये एक किस्म से गवर्नर एड्रेस की तरह पढ़ा गया, बजट की तरह नहीं। इट वॉज मोर ऑफ ए गवर्नर एड्रेस देन बजट। लेकिन इतना लंबा बजट स्पीच हुई, विज़न कोई नहीं, नो कोई विज़न नहीं है, सिर्फ प्रयास किया गया लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए, जगलरी ऑफ वर्ड्स फिगर्स से लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए किया गया। अब जब कभी चर्चा की, इन्होंने खुद ये कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट कुल जब से हमारी सरकार आई है 24,000 करोड़ की आई है और 32,000 वो एम्प्लॉयमेंट मिली है, लेकिन वो कहाँ गई बात हैपनिंग इन हरियाणा, जहाँ ये लिखा था भाई 5,47,000 या 87,000 के MOU साइन हो गए और 2,00,000 आदमियों को रोजगार मिलेगा। अब आगे कितना रोजगार दे पाएंगे, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये कोई विज़न जैसे मैंने कहा नहीं है इनकी। ना तो जो ओल्ड एज पेंशन है जो वायदा था इनका, 5100 तो घोषणा पत्र में JJP का था और 3100 शायद 3100 BJP का था, नो वे नियर। 2,250 से लेके 250 रुपये बढ़ाया है, महंगाई कितनी बढ़ गई ये भी अंदाजा दी, और हम सोचते थे कि कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी। मैंने बार बार कहा था कि कम से कम डीजल पे जो स्टेट का वैट है जो हमारे समय में था उससे दुगना ये कर चुके हैं, उसको तो कम करो ताकि किसान को राहत मिले। आज किसान की लागत बढ़ी, मैं बजट पे भी आऊँगा फिर मोटे मोटे आपको। आपका अब एजुकेशन है जो आपने कहा चर्चा, एजुकेशन है, कृषि है, इसका बजट कम किया गया। बजट का जो है टोटल जो रेवेन्यू रिसीप्ट हैं उसका जो है इंटरेस्ट पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट टोटल रेवेन्यू इसका 45% जो है 2020-21 में था, वो बढ़कर अब क्योंकि और ले लिया इन्होंने लोन, वो 54.6% हो गया। मतलब टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 54.6 जो है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ डेब्ट में जाएगा, और सैलरी और पेंशन का टोटल रेवेन्यू में से 40.3% चला गया। तो 54.6 और 40.3% कितना हो गया, 95% हो गया। तो कितना पैसा है विकास के लिए बचा भाई, पैसा स्कोप फॉर सोशल एनरोलमेंट एक्सपेंडिचर कितना आपके पास बचा, 5%। जब भी तो जो घोषणाएं करी हैं किसी योजना में 10 करोड़ 20 करोड़, स्टेटों में इनका क्या मतलब मायने है, क्योंकि इनके पास 5% है। अब कोई अगर कोई आगे करेंगे
तो कर्जा ही लेके कर सकते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे पर कैपिटा इनकम जो लोन था, सॉरी इनकम नहीं, लोन जो था पर कैपिटा जो है लोन पिछले में 90,000 रुपये था हर व्यक्ति है। आज अगर बच्चा पैदा होता है तो 1,00,000 रुपया कर्जा लेके पैदा होगा हरियाणा में। ये अपने सिर पर लेके पैदा, हाँ अपने सिर पे 1,00,000 का कर्जा लेके पैदा होगा। एग्रीकल्चर और एलाइड्स उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 6,045 करोड़ इन्होंने दिखाया है। टोटल 1,82,042,000 करोड़ 343 करोड़ का जो है वो कुल जो है 4.2% आता था 2021 में। पिछले साल जो था एग्रीकल्चर अलाइड्स का 4.2% था, इस साल वो घटाकर 3% कर दिया।